आप में से बहुत लोग है जो इंडियन गवर्नमेंट का कस्टम ड्यूटी पेमेंट करते हैं, तो कस्टम ड्यूटी को पेमेंट करने के टाइम कुछ सिलेक्टेड बैंक का नाम सामने आते हैं। जिस बैंक के अंदर अगर आपका अकाउंट नहीं होते है तो आप उस कस्टम ड्यूटी को पेमेंट नहीं कर सकते उस बैंक के थ्रू, क्योंकि सभी बैंक के अंदर अकाउंट खोलना हर किसी के लिए पॉसिबल है, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होते है। और हर किसी को सभी बैंक के अंदर अकाउंट खोलना भी एक बहुत ही झंझट का काम होता है, क्योंकि सभी बैंक का एक मिनिमम बैलेंस के चक्कर रहते हैं, मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। अगर आप मिनिमम बैलेंस को नहीं रखते हो तो आपसे कुछ चार्जेस भी लिया जाएगा मिनिमम बैलेंस का रूप से। सो एक गुड न्यूज निकल का है, जिनके तहत अगर आपका भी ICICI या फिर HDFC बैंक के अंदर अकाउंट है, ICICI और HDFC बैंक के थ्रू भी आप कस्टम ड्यूटी को पेमेंट कर सकते हो। सो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि ये सब डिटेल्स के ऊपर, ये सब जो डिटेल्स आए हैं इनके तहत आपका क्या फायदा होगा, आम जनता को आखिर में क्या फायदा होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो पर एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, किसी भी जगह पर आप इसके ऊपर मंथ करिए, नहीं तो हो सके बहुत मिस कर जो। अगर कस्टम ड्यूटी पेमेंट का बात करें तो कस्टम ड्यूटी पेमेंट करने के टाइम कुछ सिलेक्टेड बैंक का नाम सामने आते हैं, जहां में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर कुछ चुनिंदा बैंक का नाम सामने आता है। लेकिन अभी फिलहाल के टाइम HDFC और ICICI बैंक की तरफ से एक नोटिस निकल के आया है, एक अपडेट निकल के आया है, जिनके तहत अगर आप भी एक HDFC या फिर ICICI बैंक का यूजर्स यानी ग्राहक हो तो भी आप पेमेंट कर सकते हो कस्टम ड्यूटी थ्रू इनका मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। अगर आप इनका कोई भी कॉरपोरेट बैंकिंग भी यूज़ करते हो तो भी आप पेमेंट कर सकते हो, कॉरपोरेट या फिर मोबाइल बैंकिंग जो भी आप यूज़ करते हो उनके तहत आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आप एक ICICI बैंक का कॉरपोरेट बैंकिंग यूजर्स हो तो आप ICICI बैंक का इंस्टाबीज कर एक एप्लीकेशन आता है कॉरपोरेट अकाउंट के लिए, उस अकाउंट के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, उस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो कॉरपोरेट बैंकिंग के अंदर से। अगर आप एक रिटेल बैंकिंग हो तो रिटेल बैंकिंग का जो आई मोबाइल के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो या फिर आप रिटेल बैंकिंग का इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आप HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक के अंदर अगर आप रिटेल या फिर कॉर्पोरेट बैंकिंग यूजर्स जो भी हो उनके तहत आप पेमेंट कर सकते हो कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी के तहत जो पेमेंट होगा इस बैंक के थ्रू ही पेमेंट होगा। और जब भी आप कस्टम ड्यूटी पेमेंट करने के लिए जाते हो तब एक बैंक सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप HDFC या फिर ICICI जो भी आपका बैंक है उस बैंक को सेलेक्ट कर पेमेंट कर सकते हो। HDFC बैंक की तरफ से जो कस्टमर ड्यूटी पेमेंट का जो सिस्टम लॉन्च किया है, जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, इनके तहत जो प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स ऑफ CBIC के तहत कस्टमर ड्यूटी को पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इनके तहत आप IGST भी पेमेंट कर सकते हो, जो गुड्स एंड सर्विस होते हैं GST की जो पेमेंट है, GST भी आप पेमेंट कर सकते हो इनके तहत। अगर कस्टम ड्यूटी की बात करें तो कस्टम ड्यूटी का जो सिस्टम है, कस्टम ड्यूटी सिस्टम बहुत एक अच्छा बेनिफिट हो सकते हैं मैक्सिमम यूजर्स के लिए, आम जनता के लिए, क्योंकि जब भी आप कस्टम ड्यूटी पेमेंट करने जाते हो तब कुछ सिलेक्टेड बैंक का नाम आते हैं, अगर आपका उस बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है तो पेमेंट नहीं कर सकते। और अभी फिलहाल के टाइम एक ऐसा समय है जब ICICI बैंक हर किसी के पास है, क्योंकि ICICI बैंक के अंदर एक जीरो बैलेंस के सेविंग्स अकाउंट लॉन्च हुए, जो ICICI माइनिंग सेविंग्स अकाउंट, जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना सकूँ, आप वीडियो को आप देख सकते हो अगर आपको खोलना है तो। सो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ है, अगर हेल्पफुल हुआ है प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी ऐसे कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वीडियो।